हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं जेफर लैब Z8 के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के थ्रू कि इसका प्राइस कितना होगा। दोस्तों, इसका अप्रॉक्स प्राइस मैं आपको बताने वाला हूँ Z8 का। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये आपको 2000 वाट का 4 बेस चलाने के लिए काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है और काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। बेस पंच आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लगकर ये लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल में दोस्तों अभी तक नए हैं तो नीचे जाइए, सब्सक्राइब लाल रंग का बटन उसको दबाइए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं जेफर लैब Z8 के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं डीजी रॉक चैनल। दोस्तों, बात करें जेफर लैब Z8 का, यहां पर जो है द डब स्टेपर जो कि है बेस एक्सट्रीम, तो यहां पर बेस एम्पलीफायर है जो कि काफ़ी अच्छा आपको बेस निकाल के दे देगा। दोस्तों, यहां पर जो इसका 8 ओम में अगर हम देखें यहाँ पर, तो आपको 2450 वाट आपको पर चैनल आउटपुट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर 4 ओम में 4000 वाट आपको देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर इसका डंपिंग है 1000 और यहाँ पर है क्लास डी का एम्पलीफायर जो काफ़ी अच्छा आपको साउंड जो है क्लियरिटी मिलने वाला है। दोस्तों, इसका वेट जो है कम है क्योंकि यार एम्पलीफायर जो जेफर लैब Z8 काफ़ी हल्का होता है और आपको ज़्यादा वजन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पर इसका वेट जो है 38.5 kg, मतलब कि 38 किलो 500 ग्राम आपका अप्रोक्स वेट आपका पड़ जाएगा एक एम्पलीफायर का। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं इसका बेस के बारे में। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर 8 ओम में चलाने के लिए, जैसे कि एक बेस एक चैनल में और दूसरा बेस एक चैनल, मतलब दूसरे चैनल में एक एक बेस एक एक चैनल में हमें चलाना हो तो कितने वाट का हम चला सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 2450 वाट हमें पर चैनल आउटपुट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, अगर हम ले रहे हैं एम्पलीफायर, तो यार सीधी सी बात है, अगर इतना महंगा एम्पलीफायर लेंगे तो यहाँ पर हम सीधी सी 4 बेस ही चलाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, हम चले फटाफट से हम बात करते हैं 4 बेस के लिए ही। दोस्तों, यहाँ पर हम चला सकते हैं 2000 वाट का 4 बेस, जो कि 2000 वाट का 2 बेस एक चैनल में और दोस्तों यहाँ पर 2000 वाट का 2 बेस दूसरे चैनल में चलाएंगे। काफ़ी अच्छा आपको बेस पंच मिलने वाला है क्योंकि दोस्तों इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी है जो है कम है। यहाँ पर 1000 हर्ट्ज तक का आपका काम करता है जो कि ओनली बेस के लिए ही एम्पलीफायर बना हुआ है ये वाला। एक आता है कूल एम्प, वो आपका टॉप के लिए अच्छा चलता है। दोस्तों, इसका मैं आपको बता दिया, जैसे कि 2000 वाट का 4 बेस आप चलाइए, काफ़ी अच्छा आपका चलने वाला है। अगर आपका डुअल है तो 2 बेस आप चला सकते हैं, 2 डुअल बेस। दोस्तों, आप चलिए बात करते हैं इसका फाइनल प्राइस। दोस्तों, इसका अप्रॉक्स प्राइस आपको पड़ जाएगा, नहीं 85,000 लगभग आपको पड़ जाएगा। 85,000 से ऊपर भी पड़ सकता है, कम भी पड़ सकता है, ये आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये साधारण मार्केट में भी मिलता भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं, अप्रॉक्स अभी 85,000 के आसपास अभी आपको शो कर रहा होगा इसका प्राइस। तो ये आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल में अभी तक नए हैं तो नीचे जाइए और सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि मैं डीजे से रिलेटेड ऐसे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ इस चैनल में। दोस्तों, और एक बात और कि नीचे जाइए, कमेंट करिए, कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा और वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए या फिर कोई सुझाव हो इस चैनल के लिए, वो जरूर से जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।